दोस्तों, आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे कोई अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर 1 बिलियन पीपल से ज़्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड करता है। इंडिया में 51 मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं और एक्सपोर्ट अर्निंग का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का 1/6। तो दोस्तों, इन 51 क्रॉप में से एक क्रॉप्स है पैडी की, जिसको इंडिया कुछ हिस्सों में धान बोला जाता है, कुछ हिस्सों में बोला जाता है मूंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस फसल के बारे में सब कुछ। इसको आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको हम इस तरह से लगाते हैं और पकने के बाद फसल इस तरह से दिखती है। और काटने के उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ लोग मशीन से काटते हैं, कुछ लोग बहुत सारी आजकल मशीन्स आ गई उनसे काटा जाता है, लेकिन पहले के लोग हाथ से काटते थे। और कटने के बाद उसको किस तरह से अलग किया जाता था वो हम बता रहे हैं आपको, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे मेथड्स के बारे में जो इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड है और आज भी बहुत लोग यूज़ करते हैं उस मेथड को। तो देखिए शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो और जानिए इसके बारे में। दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं पहले कि धान के फसल से, पैडी की फसल से धान कैसे अलग किए जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं इसी तरह अलग किया जाता है। और आइए आपको ले चलते हैं हम लाइव, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग किस तरह से धान के पेड़ को किसी और चीज़ पर मार करके उससे धान अलग कर रहे हैं, जिस तरह से फॉर्म बन जाती है बाद में इकट्ठा होकर। इस तरह की आप इसको देख सकते हैं, हम हाथ उठा कर दिखा रहे हैं आपको कि इसमें कितना कूड़ा और कचरा मिला हुआ है। इसको ही अलग करने के लिए बहुत बहुत से यंत्र मशीन यूज़ की जाती हैं। उनमें से एक मशीन से जिसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल रूप से फ़ैन, जो दिखता है कुछ इस तरह का, आप इसको देख पा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं इसको हर तरीके से, इसको पास से देखिए किस तरह से बनाया गया है। ये लोहे का है पूरा और ये सिर्फ हैंडमेड है और हाथ से चलाने के लिए है, क्योंकि गाँव में दूर खेतों पर लाइट्स नहीं होती हैं इसलिए लोग इसको हाथ से चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं। अरे दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं वो धान जो इससे चलने के बाद उड़कर विनोइंग होने के बाद अलग हो चुका है। देखिए इसके अंदर अब बिल्कुल भी कूड़ा नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है जो इन लोगों ने मेहनत करके किया है। और इसको हमने कैसे किया है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़का फ़ैन चला रहा है, दूसरी तरफ एक औरत किसी बर्तन में भरकर, छाछ को हम बोलते हैं गाँव में छाछ, उसमें भर करके धान दे रही है जो थोड़ा मिक्स है कूड़े कचरे के साथ। और वहाँ पर एक व्यक्ति इसको हाथ में उठा करके हिला रहा है जिससे फ़ैन की हवा उसके पास जा रही है, जो कूड़ा करकट है वो दूर चला जाता है और उसका जो धान है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, जिसको बाद में ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए आप पूरी वीडियो, आप जानेंगे इसके आगे बहुत कुछ। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और ये धान अलग होने के बाद लोग भरते हैं इनको बहुत बहुत बड़े बोरों में और ले जाते हैं इनको सेलर पे, जहाँ कुछ होती हैं इस टाइप की मशीन्स जो अलग कर देती हैं चावल और भूसे को बिल्कुल अलग अलग, जिसको हम बोल सकते हैं हस्क एंड राइस। और उसके बाद इसी राइस से आप बनाते हैं एक लजीज बिरयानी, जिसे आप खाते हैं बहुत बड़े प्यार से और आपको लगती है बहुत अच्छी। दोस्तों, ये आप वीडियो आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में, और इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन सभी को जिनको नहीं पता है कि चावल कहाँ से आता है और कैसे आता है, ताकि आप सब लोग जान सकें जिस खाने को लोग बर्बाद करते हैं फेंकते हैं वो कितनी मेहनत से बनता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।